अच्छा, आज जो हमारे दो स्टूडेंट प्रेजेंट हैं, समीउल्लाह मुइज़ हुसैन, और इसके अलावा तमाम स्टूडेंट को जो है वो कॉल करी है, और मुइज़ ने मैसेज भी भेजे और समीउल्लाह आ गए, और अभी तक दूसरे स्टूडेंट की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा। हम अपनी क्लास को एज़ यूजुअल कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास के अंदर जो है वो हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर दो मेथड देखे थे, कट ऑपरेशन के। एक इंसर्ट देखा था और दूसरा हमने सेलेक्ट देखा था। तो इंसर्ट होने के बाद जो है वो हमारा डाटा जो है हमने फेच करवाया था। अब हमने जो सिनेरियो पे काम करना है, डाटा हमारे पास शो हो रहा है, और शो होने के बाद जो है वो हमने अपडेट करना है और डिलीट करना है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर। ये काम करने के बाद फिर हमारा इमेज अपलोड का जो है वो एक पार्ट रह जाएगा, उसको भी हम कोशिश करेंगे कि आज ही हम उसको कंप्लीट करें कि इमेज अपलोड कैसे होती है। देन जो फिर हमारे पास हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंप्लीट हो जाएगी, और उसमें हमारे पास जो कॉन्सेप्ट रहेगा, इन पर दो कॉन्सेप्ट रह जाएंगे आई थिंक, सो ट्रेड रह जाएगा और नेम स्पेस, वो हम लास्ट में देखेंगे। तो ये बेसिकली ये टॉपिक्स हमारे रहते हैं। स्टूडेंट की वजह से कुछ टॉपिक्स को जो है वो मैंने डिले किया था, लेकिन स्टूडेंट्स जो हैं वो स्टिल फीस के इश्यूज़ हैं, कंप्यूटर के इंटरनेट के इश्यूज़ हैं, और लिहाजा जो है वो जब लेक्चर को अटेंड नहीं करेंगे तो उनको फिर अगले लेक्चर समझ में भी नहीं आएंगे। तो वीडियो को मैं यही कहूँगा कि कोर्स माइट बी पॉसिबल हमारा फीस के इश्यूज़ की वजह से जो है वो डिले हो, और जिसकी वजह से जो है वो मसला शायद आए। तो कोशिश हमारी ये होगी कि वक्त के ऊपर जो है वो कंप्लीट करें अपने इस कोर्स को, लिहाजा इसको जो है वो फिर तमाम स्टूडेंट्स, मैंने पहले ही बता दिया था बैकअप नहीं होगा, और इससे मसला ये आएगा कि आपने वीडियो देख लेनी है फिर। और अगर मुझे कहा गया कि दोबारा से रिवाइज़ करें, तो फिर मैं क्लास में इसको दोबारा से रिवाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आप फीस तब तब तक था फीसेस दे देंगे। सही है, तो शायद बैकअप नहीं है, वैसे मुझसे ये कहा गया था, अभी मुझे सिचुएशन नहीं पता। तो ये जो है वो प्रॉब्लम होगी एंड में, क्योंकि अगर मैं प्रोजेक्ट मंगवा लूँगा तो फिर सारे के सारे जो है वो फेल भी हो जाएंगे, और पीएचपी कोई पढ़ भी नहीं रहा इस इश्यू की वजह से, तो ये भी मसला है। ठीक है, लेट्स सी, और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो है ड्रीम वीवर को मैं ओपन कर लेता हूँ, और अब हमने जो है ना वो उसको करना है उस फॉर्मेट में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फॉर्मेट में। देखें, यहाँ मैंने करवाया था आपको। अच्छा, हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो ओपन के लिए हम लिख लेते हैं लोकल होस्ट, सही है, स्लैश, और यहाँ पर हमारे पास है कर्ड, CRUD कर्ड अंडरस्कोर इंसर्ट डॉट PHP, आई थिंक सो यही है, कर्ड अंडरस्कोर इंसर्ट डॉट PHP है, कर्ड अंडरस्कोर इंसर्ट डॉट PHP। तो अब यहाँ पर जो है वो हमारा डाटा इंसर्ट हो रहा था, सही है, ये हमारा इंसर्ट वाला पार्ट था, और ये हमारा जो है वो सिलेक्ट वाला पार्ट था, और ये हमने अपडेट और डिलीट वाला जो है वो बनाया था। तो अब हमने ये काम करना है कि इसको मैं हटा देता हूँ, दूसरे पेज पर हम लेकर जाते हैं, दो अलग से पेज बनाएंगे, और यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमने लगा तो दिए थे एंकर, एंकर के ऊपर जो है वो हमने क्या काम करना था, अपडेट और डिलीट वाला काम करना था। तो यहाँ पर हमारे पास जो भी सेलेक्ट है, सेलेक्ट का कोड यहाँ तक आ गया, यहाँ तक जो है वो टेबल भी बंद हो गया, और यहाँ पर जो है वो हमारा जो भी डाटा है, ये सारे का सारा हमारा जो है वो नेक्स्ट पेजेस पर जाएगा, कंट्रोल एन, और यहाँ पर हम कर देते हैं PHP, और PHP में यहाँ पर हम इसको करवा लेते हैं ओपन और क्लोज, और यहाँ पर जो है वो हमारा अपडेट वाला पार्ट परफॉर्म होगा, और इसी तरीके से ये वाला पार्ट जो है वो हमारा है डिलीट, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर ही हुआ हुआ है, इसको हम कर लेते हैं यहाँ से कट, और कट करने के बाद जो है हम इसको एक न्यू फ्रेश पेज बना लेते हैं PHP का, जिसमें हमारा ये आ जाएगा डिलीट, ये वाला कोड।
तो अब हम इसको जो है वो कट अंडरस्कोर डिलीट कर देते हैं और दूसरे वाले पेज को हम कर देंगे कट अंडरस्कोर अपडेट। सही है, तो यहाँ मैंने इसको करवा दिया सेव। और हमारे पास है माय कंप्यूटर, सी ड्राइव, और सी ड्राइव के बाद जो है वो यहाँ पर हमारे पास है जेम, और जेम में हमारे पास एच टी डॉक्स के बाद अब हमारे पास है डिली कर्ट अंडरस्कोर डिलीट, CRUD कर्ट अंडरस्कोर डिलीट, DELETE डिलीट डॉट PHP। इसी तरीके से इसको हमने करवा दिया सेव, और सेव करवाने के बाद अब हमारा ये पेज बन जाएगा कर्ट अंडरस्कोर अपडेट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेव। और सेव करने के बाद अब हम इसको जो है यहाँ पर फॉर्म के अंदर क्या चीज़ होगी कि हमारे पास जो प्रीवियस डाटा वो सेलेक्ट की क्वेरी के ज़रिए लगेगा, और यहाँ जैसे हमने प्रोसीजर में किया था इसी तरीके से यहाँ पर भी हमें जो है वो शो अप करवाना होगा। ठीक है, और देन जो है फिर डिलीट हमारे लिए बहुत ही आसान है, वहाँ से हमारे पास क्यूरी स्ट्रिंग के अंदर जो है वो ID आएगी डिलीट की, और यहाँ पर हमारे पास जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर सबसे पहले बनता है MySQLi क्लास जो होती है उसका ऑब्जेक्ट, और उसका जो कंस्ट्रक्टर लगते हैं आगे उनके पैरामीटर से जो है वो हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग जो होता है वो पास होता है, ताकि उस क्लास के अंदर जो है वो ये कनेक्शन स्ट्रिंग जो है वो जाए, और यहाँ पर फिर हमारे ऑब्जेक्ट को जो है वो कनेक्शन स्ट्रिंग अगर सही होता है तो उसको उसके साथ बाइंड कर देता है कि फिर इसको जो है वो हम फर्दर मोर यूटिलाइज़ कर सकें। तो हम इसको यूटिलाइज़ कैसे करते हैं कि जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया होता है उसको लिखते हैं, उसके आगे डॉट लिखते हैं, और उसके आगे हमारा जो होता है वो मेथड कॉल होता है जो उस क्लास के अंदर हमने फंक्शन बनाया होता है। तो वहाँ पे क्यूरी का बिल्टिन, क्योंकि बिल्टिन क्लास है तो बिल्टिन फंक्शन हमें जो है वो बताया हुआ है ट्यूटोरियल्स के अंदर, बुक्स में, और इसकी भी ऑफिशियल वेबसाइट पर, कि आपके पास जो मेथड होता है वो होता है क्यूरी का, उसमें से एक पैरामीटर पास होती है आपकी क्यूरी। तो क्यूरी के अंदर जो हमारे पास आईडी आ रही है वो हमने आईडी लगा के भेज देनी है कि इस टेबल में से जो भी हमारे पास इस आईडी का डाटा है वो क्या कर दो, डिलीट कर दो। सिंपली इसको क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। तो ये तो कोड हमारा हो गया था लास्ट क्लास में, और इसको हमने चेक भी कर लिया था। मसला क्या आ रहा था, अलहदा पेज बनाने का आ रहा था, वो हमने इसको अलहदा पेज बना के मसले को हल कर लिया। अब हम देख लेते हैं कि इसका जो क्यूरी स्ट्रिंग बनकर आ रही है, डिलीट अंडरस्कोर आईडी बनकर आ रही है वहाँ से, और आईडी कॉल जब होगी तो यहाँ पर डिलीट अंडरस्कोर आईडी में वो रिसीव हो जाएगी, और ये इस वेरिएबल को असाइन कर देगा, और यही वेरिएबल जो है इसको क्यूरी में से पास करा कर डिलीट करवा देगा। तो यहाँ तक जो है वो ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। अब बात आती है हमारी कर्ड अंडरस्कोर अपडेट। सही है, तो यहाँ पर हमारा जो है वो फॉर्म यूज़ हो रहा है, और फॉर्म के अंदर हम इसी पेज के ऊपर डाटा भेज रहे हैं। तो सबसे पहले जो है वो हमें क्यूरी स्ट्रिंग से डाटा को जो है वो रिसीव करना है, जिस तरीके से हमने वहाँ पर रिसीव किया है। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ तक तकरीबन यही सिनेरियो ओके यहाँ पर लगेगा, सिर्फ क्यूरी चेंज होगी और क्यूरी स्ट्रिंग चेंज होगी। सही है, तो यहाँ पर हमारे जो सिनेरियो होगा वो इस तरीके से होगा, और क्यूरी स्ट्रिंग जो है वो हम बना लेते हैं। वहाँ से जो हमारे पास क्यूरी स्ट्रिंग आ रही है वो आ रही है अपडेट अंडरस्कोर आईडी इंडेक्स जो आ रहा है, और यहाँ पर हमारे पास है वो डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट सिंगल कोटेशन, और इसी तरीके से जो है वो हमारा इंडेक्स आ गया, और इसी का ही हम वेरिएबल बना देंगे तो डॉलर इस तरीके से हो जाएगा और इज इक्वल टू कर कर हो जाएगा। तो अब क्या चीज़ होगी कि हमारे पास जो वहाँ से इंडेक्स आएगा उससे जो डाटा आईडी आएगी वो यहाँ पर आ जाएगी और इस वेरिएबल को असाइन हो जाएगी, और इसके बाद जो है वो फिर हम अपडेट की क्यूरी के अंदर जो है इसको वेरिएबल को लगा देंगे, ताकि इसी आईडी के बिहाफ पे उसका डाटा क्या हो जाए, अपडेट हो जाए। तो ये तो काम होगा तब जब हम यहाँ पर यहाँ से फॉर्म से डाटा भेजेंगे। अब क्वेश्चन ये आएगा
फॉर्म पे सबसे पहले जो है वो एडिट के लिए डाटा भी हमें चाहिए, तो ऊपर जो है वो हमें सेलेक्ट की क्यूरी वाला पार्ट जो है सिमिलर एज इट इज़ लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम उसको रिसीव करने के लिए जो हमने यहाँ पर पूरा सेलेक्ट बनाया था, हम इसी को एज यूजुअल जो है यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं और उसको जो है वो वहाँ पर कॉल करवा लेंगे। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में हमारा बिल्कुल सिमिलर सेलेक्ट लग जाएगा, क्योंकि इसको कैसे पता चलेगा कि भाई इसको कौन सा डाटा चाहिए, ठीक है, तो वो तो हमें कॉल करवाना पड़ेगा सेलेक्ट, और सेलेक्ट का काम क्या होता है, डाटा को कॉल करना। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो हमने बंद करवाया था टेबल के अंदर पार्ट, इसी को हमने जो है इसके स्कोप को भी बंद करवाना है, क्योंकि एक कंडीशन लगी हुई और एक लूप लगा हुआ है, तो ये पूरे का पूरा जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ तक इसका स्कोप होगा, सही है, और नीचे जो काम हो रहा है वो डिफरेंट काम हो रहा है। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो सिमिलर वेरिएबल्स भी हो रहे हैं, तो हमने वेरिएबल्स को चेंज भी करना है। तो अभी इस ऊपर वाले पार्ट को जो है वो हम देख रहे हैं, लिहाजा हम इसको ऊपर से सही करते हुए आएंगे, तो फिर नीचे भी इसको हम क्या कर लेंगे, सही कर लेंगे। अच्छा, फॉर्म से डाटा जब भी अपडेट के लिए सबमिट होगा तो वो इसी पेज के ऊपर आएगा। अभी फ़िलहाल मैं ये देखने के लिए गेट लगा दूंगा कि मेरे पास फॉर्म से जो है वो डाटा क्या क्या आ रहा है, सही है। तो अब यहाँ पर हमें उस स्पेसिफिक क्यूरी चेंज होगी, क्योंकि हमें पूरा डाटा तो शो नहीं करवाना, हमें उस स्पेसिफिक आईडी का डाटा को जो है वो अपडेट करना है, तो लिहाजा यहाँ पर क्यूरी चेंज होगी। और क्यूरी के लिए जो है वो हमें चाहिए आईडी, जिस तरीके से हमने नीचे आईडी रिसीव करी है इसी तरीके से ऊपर भी हम आईडी को इसी तरीके से रिसीव कर सकते हैं। तो लिहाजा अगर मैं इसको यहाँ पर इस तरीके से लिख दूँ कि वहाँ से जो भी डाटा आए वो इधर भी रिसीव हो और नीचे वाले पार्ट में भी रिसीव हो जाए, दोनों जगह जो है वो आईडियाँ वहाँ उस पेज से हिट होकर इधर दोनों जगह आ जाए, ताकि दोनों जगह जो है वो अपना काम प्रोसेस क्या हो सके, कंप्लीट हो सके। तो वहाँ से जब हम एडिट अपडेट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो हमारा अपडेट एंकर बना हुआ है इस पर, तो अब यहाँ पर जो मेरा वन है वो वन उठकर जो है उधर जाएगा उस पेज के ऊपर अपडेट पे। तो हम पेज का जो नेम है वो पहले सही कर देते हैं क्यूरी स्ट्रिंग के अंदर, ताकि जो है वो वहाँ पर डटा जाए। तो हमारे पास जो है वो कर्ट अंडरस्कोर अपडेट हो गया, ठीक है, UPDATE अपडेट, और इसी तरीके से जो है वो यहाँ पर क्या हो गया, डिलीट हो गया, DELETE डिलीट, इसको करवा दिया मैंने यहाँ पर सेव, सही है। क्योंकि अब मेरे पास क्या चीज़ होने वाली है, ये यहाँ पर मैं इसको करवा देता हूँ पहले सेव, ताकि किसी किस्म का जो एरर है वो ना आ सके। अभी फ़िलहाल जो है वो यहाँ पर क्या आएगा, माइट बी पॉसिबल कोई रिजल्ट ना दिखाए, लेकिन क्यूरी स्ट्रिंग मैं आपको दिखाता हूँ कि क्यूरी स्ट्रिंग जो है वो इस पेज के ऊपर डाटा क्या भेजने वाली है। मैंने किया इसको रिफ्रेश, अब इसने जो है वो डाटा अपडेट कर दिया, और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ से जो है वो मेरी आईडी जो है उस पेज के ऊपर गई है, सही है। अच्छा, अब क्योंकि मैंने वन लगाया हुआ है तो वन से जो है वो मल्टीपल टाइम्स बना देगा, जब मेरी आईडी सही जाएगी तो उस स्पेसिफिक आईडी का डाटा फिर इधर कॉल हो जाएगा, तो फिर ये एक ही शो करेगा, क्योंकि यहाँ पर वेयर वन का मतलब होता है तमाम के तमाम उठा के दिखा दो, तो उसने तमाम रिकॉर्ड के हिसाब से जो है वो टेबल बना दिया, सही है, फॉर्म बना दिया सॉरी, तो ये भी सही हो जाएगा। तो हमारे पास URL में इम्पॉर्टेंट तरीन चीज़ क्या है, ये ID जिस पर हमने क्लिक किया वो ID उठ कर आ रही है, तो ये तो हमारे पास हो गया पहला काम सही। तो अब 2 आ रहा है, 2 का डाटा भी उठ कर आ जाएगा, तो हर ID के हिसाब से जो है उसका डाटा उठ कर आ रहा है, यहाँ तक जो है वो हमारा काम बिल्कुल सही हो रहा है। अब यहाँ पर हमने इसको क्यूरी के अंदर इम्प्लीमेंट करना है, तो हमारा ये जो वेरिएबल है तो हम इसको जो है कॉपी कर लेते हैं, वेयर, अच्छा हमारे डेटाबेस का जो कॉलम है वो है आईडी, सिंपल, हम एक मरतबा चेक कर लेते हैं ताकि हमारे पास जो है वो किसी किस्म का मसला नहीं आए। तो हम लिख लेते हैं लोकल होस्ट, और PHP माई एडमिन में जाते हैं, और वहाँ पर जो है वो एक नज़र अपने टेबल को देख लेते हैं, PHP माई एडमिन। तो यहाँ पर मैंने एपटेक का बनाया हुआ है, और यहाँ पर जो मैंने लास्ट क्लास के अंदर टेबल बनाया था डेटा के नाम से बनाया था, तो मैंने सिंपल आईडी रखा है, और यहाँ पर हमने रखा है डेटा, सही है।
तो अब यहाँ पर जो है वेयर एक्जीक्यूटेबल्स के अंदर आएगा आई डी इज इक्वल टू, ठीक है, अब वो वेरिएबल आ जाएगा। वेरिएबल को मैं कर लेता हूँ पहले कॉपी, सॉरी पेस्ट, क्योंकि मैंने उसको कट करवाया था। तो अब इज इक्वल टू आ जाएगा और ये बाहर कॉन्केटिनेट हो जाएगा, सही है। आई डी इज इक्वल टू होता है और इसके बाद जो है वो हमारे पास यहाँ पर कॉन्केटिनेट होगा, ठीक है, और कॉन्केटिनेट होने के साथ जो है वो ये आई डी इसके साथ लग जाएगी। तो यहाँ तक जो है वो क्या हो गया हमारे आई डी, क्योंकि नंबर है। अच्छा, इस तरीके से भी लगा सकते हैं और अंदर जो है वो सिंगल कोटेशन में लगेगा, क्योंकि क्यूरी स्ट्रिंग जो होती है वो स्ट्रिंग, क्यूरी स्ट्रिंग कह रहा हूँ, तो इट मीन्स डेट कि वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में जाती है। अब उसमें नंबर आ रहा है तो अब वो सिंगल कोटेशन में लगेगा, सही है। तो या तो मैं इस तरीके से बाहर रख दूँ वन को, या जो है मैं सिंगल कोटेशन में अंदर वन मतलब वेरिएबल लिख दूँ, उसके अंदर जो है वो आईडी आ जाएगी। तो ये दोनों तरीके होते हैं, हम इसको चेक कर लेते हैं पहले इससे। और नीचे जो है जो क्यूरी स्ट्रिंग बनेगी उसको मैं सिंगल कोटेशन में रख दूँगा, तो वो आपको जो है वो भी शो हो जाएगा, सही है। तो दोनों तरीके चेक हो जाएंगे ताकि आपको आईडिया हो जाए कि दोनों तरीके से जब आप कोड को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम अब इसको जो है वो चेक करेंगे। चेक करने का तरीका ये है कि यहाँ पर जो हमारे पास डाटा की फील्ड है इसके अंदर जो है वो हम इसकी वैल्यू को कॉल करवाएं, सही है। तो वैल्यू हमने लिखा, सॉरी वैल्यू हो जाएगा, ज़ीरो नहीं होगा। इसी तरीके से यहाँ पर जो है वो हमारे पास पीएचपी स्टार्ट की जाएगी, क्योंकि अब वहाँ से जो भी डाटा सेलेक्ट होकर आ रहा है वो तमाम का तमाम इस वेरिएबल को मिल रहा है, सही है। और ये वेरिएबल से जो है वो डॉलर रॉक को मिल रहा है। तो अब हमने डॉलर रॉक को जो है उसके उसमें जो हमारे पास डेटाबेस में जो इंडेक्स है, कॉलम है, उसको जो है वो हमने बेसिकली इसमें लिखना है। तो हम लिख देंगे डॉलर रॉ, सही है, और सिंगल कोटेशन में इस तरीके से, और ये हो जाएगा एको, ताकि जो भी डेटा हो उस स्पेसिफिक आईडी से रिलेट वो तमाम का तमाम इधर क्या हो जाए, शो हो जाए। तो बेसिकली डेटा है हमारे पास डेटाबेस के कॉलम में, आईडी और डेटा। तो यहाँ पर जो है वो डेटाबेस का कॉलम नेम लिखा है। अब यहाँ पर जो है वो हमारे पास उस स्पेसिफिक आईडी का रिजल्ट क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। तो अब यहाँ से तमाम जितनी भी फील्ड्स बनी थी वो हट जाएंगी, और जैसे अब मैं वन पर क्लिक करता हूँ तो अब यहाँ पर जो है वो उसको क्यूरी एम्प्टी मिल रही है। तो हम एक काम ये कर दें, वेलकम इन ओफ कर्ड ऑपरेशन। तो ये जो है ये तो बिल्कुल सही है, और वो जो दूसरी वाली क्यूरी है नीचे जो मैंने अपडेट वाली लगाई हुई है उसको खाली रखा था। तो लाइन नंबर 30 में आई थिंक सो वही है, लाइन नंबर 30 में हमारी जो क्यूरी है ये खाली है, यही वाली है। तो यहाँ तो वो अपडेट लग जाएगा। अच्छा, फील्ड का डाटा जो था वो हमारा डाटा जो शो कर रहा है वो डाटा तो इस फील्ड के अंदर उठकर आ गया, सही है, वन का। और वन के डाटा को जो है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारे पास जो है वो वन में क्या था, वेलकम इन ओफ कर्ड इंसर्ट, और यहाँ पर भी क्या आ रहा है, वेलकम इन ओफ कर्ड इंसर्ट। इट मीन्स डेट के हमारा जो है वो आईडी ने डाटा को कॉल करवा लिया सेलेक्ट की क्यूरी के अंदर। तो ये वाला तरीका भी जो है वो हमारे पास क्या कर रहा है, सही तरीके से वर्क कर रहा है, क्योंकि इसको जो है वो कॉन्केटिनेट हो रहा है इसी के साथ, इक्वल टू के साथ, और ये पूरा जो है वो असाइन हो रही है एक क्यूरी वेरिएबल को, और फिर जो है वो पूरे का पूरा उस आईडी के बिहाफ पर जो है वो डाटा इस तरीके से कॉल कर रहा है और इसके अंदर जो है फील्ड में डाटा दिखा रहा है। अब मैं जो कुछ भी लिखूँगा वो तमाम का तमाम डाटा जो है वो इसी पेज के ऊपर क्या होना चाहिए, आना चाहिए। तो यहाँ पर जो है मैं इसी पेज के ऊपर जो भी फॉर्म के अंदर फील्ड में आगे डाटा लिख के सबमिट करवाऊँगा तो वो तमाम का तमाम डाटा जो है वो क्या होना चाहिए, वो इधर आना चाहिए। तो यहाँ जो है वो मैंने इसका नेम रखा है इंसर्ट। तो कंडीशन भी अब हमारी ये लग जाएगी कि जब इस वाले पार्ट पर क्लिक हो तो फिर वो यहाँ आए अपडेट करने, सही है। अदरवाइज़ यहाँ पर वार्निंग शो हो जाएगी अगर उसको इंडेक्स खाली मिलेंगे। अभी वो किस चीज़ का एरर दे रहा है, वो अभी क्यूरी का दे रहा है कि क्यूरी का वेरिएबल के अंदर क्यूरी नहीं लिखी हुई, उसको क्यूरी नहीं मिल पा रही है। जब ये चीज़ होगी तो फिर उसके बाद जो है यहाँ पर
हमारे पास जितनी भी वार्निंग्स और एरर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट और सिंगल कोटेशन में इस तरीके से आ जाएगा। और यहाँ पर जो मेरे बटन का नेम है, कि जैसे ही इस बटन के ऊपर क्लिक हो तो इस वाले ब्लॉक के अंदर आओ और देन जो फिर अपडेट करो। तो अब यहाँ पर वहाँ प्रीवियस बैकेंड से जो भी क्यूरी स्ट्रिंग से आईडी उठकर आई होगी वो भी रिसीव हो रही है इधर। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर हमने अपडेट की क्यूरी बनानी है, और अपडेट की क्यूरी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, यहाँ पर डेटा फिर अपडेट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम चलते हैं और क्यूरी एनालाइजर में जाते हैं, इसी टेबल के एसक्यूएल पर क्लिक करेंगे और अपडेट की क्यूरी यहाँ से जनरेट कर लेंगे। अपडेट क्या हो, डेटा हमारे टेबल का नेम है, और आईडी की जगह जो है वो हमारी क्यूरी स्ट्रिंग से जो आईडी आई है वो लग जाएगी। और जो हमारा डाटा अब फॉर्म से सबमिट होगा वो यहाँ पर लग जाएगा। तो सॉरी, फिर यहाँ पर जो है वो ये वाले पार्ट को जो है वो हमने इधर रखना है, क्योंकि हमने आईडी को अपडेट नहीं करना होता, हमने आईडी से अपडेट करवाना होता है। तो आईडी से अपडेट करवाने के लिए ये वाले पार्ट को हम क्या लगा देंगे, आगे लगा देंगे। इस तरीके से क्यूरी हमारी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, क्योंकि हमें पूरे टेबल में से तो अपडेट नहीं करना, हमने उस स्पेसिफिक आईडी से अपडेट करना है। तो इस तरीके से हो जाएगा और ये भी हट जाएगा, सही। तो अब यहाँ पर जो है वो हमारे पास इसकी डाटा टाइप है वर्चार। वर्चार का मैंने आपको ये बताया था कि सिंगल कोटेशन में जो है वो हम लिखते हैं, तो सिंगल कोटेशन आ गई। अब इसी तरीके से क्यूरी स्ट्रिंग जो है वो मैंने कहा था कि क्यूरी स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग तो क्यूरी है और उसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग है, तो वो सिंगल कोट में लिखी जाती है। तब क्यूरी स्ट्रिंग से जो भी वैल्यू आएगी वो सिंगल कोट में लिखी जाती है। तो इसको मैं इंटरनली पूरे का पूरा क्या कर दूँगा, पेस्ट इसके अंदर। और यहाँ पर अब मेरा ये आ जाएगा वेरिएबल। मेरे पास वो तरीका भी है जो मैंने इस तरीके से अप्लाई किया, और ये भी दूसरा तरीका होता है, इससे भी मैं चेक करना चाहता हूँ कि अपडेट होगा या नहीं होगा। और यहाँ पर यहाँ से जो मेरे पास डाटा यहाँ पर फॉर्म से सबमिट होकर आएगा, तो अब मुझे इसको यहाँ पर रिसीव करना है। तो ये क्या हो जाएगा, डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट, इसी तरीके से यहाँ पर मैंने किया कंट्रोल वी, और इसी का मैं वेरिएबल बना दूँगा डॉलर डाटा इज इक्वल टू। उसको करवा दिया मैंने सेव। अच्छा, अब मुझे ये चीज़ चेक कर लेती है कि मेरे कोई वेरिएबल्स जो पर यूज़ हो रहे हैं वो यहाँ पर सिमिलर तो नहीं हो रहे। अपडेट अंडरस्कोर आईडी सिमिलर है, कोई मसला नहीं होता, क्योंकि बैकएंड से डाटा आ रहा है तो वो सिमिलर एक ही आईडी के ऊपर एक ही आईडी आ जाएगी। तो अगर ऊपर भी कॉल होके नीचे भी कॉल हो रहा है तो उसको ओवरराइट कर देगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास जो ये वाला डाटा है, वो ये वाला डाटा जब इस पे सब क्लिक होगा इंसर्ट पे इसके नेम पर, तो फिर यहाँ पर जो वैल्यूज आएंगी। और यहाँ पर जो पेज का नेम है वो हमने सही कर दिया है, सही कर दिया है। तो अब इसके बाद जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट बन रहा है। ऑब्जेक्ट बनने के बाद फिर यहाँ पर वेरिएबल भी लग गया, और यहाँ पर अब हमें जो है वो इस वेरिएबल को लिखना है, क्योंकि स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर जो है वो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। इसको करवा दिया सेव, और ये अपडेट हो जाएगा, क्यूरी यहाँ पर क्यूरी वन हो जाएगी, सही है। वेरिएबल चेंज करवाना पड़ता है, क्योंकि हम अगर सिमिलर वेरिएबल रखेंगे तो ये चीज़ कॉन्फ्लिक्ट कर जाती है। तो ये इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। मेथड तो आपका कोई सा भी हो, लेकिन उसमें से जो पैरामीटर होंगे वो डिफरेंटली वेरिएबल हो, सही है। तो अब यहाँ पर हमने बनाया था डॉलर ओबीजे वन, और ऊपर भी जो है वो ओबीजे यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पर ओबीजे वन हो जाएगा और यहाँ पर भी जो है वो वन हो जाएगा। तो अब बिल्कुल डिफरेंट हो गया, ये कहीं पर भी यूज़ नहीं हो रहा, और ये अगर यूज़ हो रहा है तो इसको अगर हम वन कर देंगे तो तब भी सही, और वन भी नहीं करेंगे तो तब भी क्या करेगा, वर्क करेगा। इसको चेक कर लेते हैं, अगर नहीं करेगा तो वन कर देंगे। तो यहाँ पर करवाया इसको सेव। सेव करवाने के बाद अब हम इसको चेक करते हैं। यहाँ पर हमने किया इसको रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद अब हमने जो है वो तीसरी आईडी से जो है वो डाटा भेजा, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया डाटा ये। हमने इसको जो है वो यहाँ तक अपडेट करने के लिए रिमूव कर दिया, और जैसे इसको सबमिट कराया
तो अब यहाँ पर जो है वो इसको 2 पर इंडेक्स नहीं मिला, तो हमें वेरिएबल चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, ट्राइंग टू गेट प्रॉपर्टी ऑफ द नॉन ऑब्जेक्ट्स लाइन नंबर 6 और लाइन नंबर 20। तो यहाँ पर हमारे पास लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 2 पे जो है वो इसको डाटा नहीं मिला। अच्छा, हमने हालांकि स्पेसिफिक उसे अब वो करवाया था, तो उसको यहाँ पर क्यूरी स्ट्रिंग के अंदर डाटा मिल जाना चाहिए था। एक तो ये मसला आया। नंबर 2 लाइन नंबर 6 के ऊपर कह रहा है, लाइन नंबर 6 हमारे पास जो है वो ये है, ठीक है। लाइन नंबर 6 पे जो है वो क्या मसला आ रहा है कि ट्राइंग टू गेट प्रॉपर्टी ऑफ द नॉन ऑब्जेक्ट, ऐसी प्रॉपर्टी को गेट करे जिसका जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं मिला। सही, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो डॉलर ओबीजे है, डॉलर ओबीजे हो गया। तो यहाँ तक तो ऑब्जेक्ट बिल्कुल सही बन जाना चाहिए। अच्छा, क्यूरी 1 इसमें से पास हो गई है, तो हमारे पास जो क्यूरी है, क्यूरी यहाँ से पास हो गई है, बिल्कुल सही है। और नमरोस ने फैच किया, तभी तो वो यहाँ पर डाटा शो कर रहा है। अगर ये चीज़ सही नहीं होती तो वो यहाँ पर क्या देता, एरर देता। तो ये वाला पार्ट तो बिल्कुल डाटा सही तरीके से फैच करके ला रहा है और ये शो कर रहा है। सही है, हो सकता है, माइट बी पॉसिबल। अच्छा, हम क्यूरी स्ट्रिंग देख लेते हैं कि हमारे पास जो है वो इसी पेज पर जो है वो क्या चीज़ आ रही है। डाटा के अंदर डाटा आ रहा है, सही है, और इंसर्ट के अंदर हमारे पास सबमिट आया है। जब हमने इंसर्ट पर क्लिक किया तो हमारे पास जो है वो सबमिट वैल्यू जो है वो बटन का नेम इधर आया है। अच्छा, और अनडिफाइंड इंडेक्स, वही आईडी का मसला यहाँ पर भी। तो हम आईडी को अगर चेंज कर दें वेरिएबल को, हो सकता है मसला रिजॉल्व हो जाए। यहाँ पर मैंने कर दिया इसको ID 1, ठीक है, और यहाँ पर भी मैंने इसको कर दिया ID 1। लेट्स सी, अब देखते हैं, अब चेक करते हैं इसको। ये भी हमने चेंज किया है, और इसके अलावा जो है वो हमारे पास आई थिंक सो तमाम चीज़ें क्या हैं, सही हैं। वन मोर टाइम हम इसको चेक करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास मैंने पेज का नेम भी हटाया है, ताकि जो है वो इसी पेज के ऊपर अगर भेजे तो क्यूरी स्ट्रिंग जो है वो बात सफ़ा मसला कर जाती है, क्योंकि इसी पेज के ऊपर उसको इंडेक्स नहीं मिलता। तो लिहाजा अब जो है मैं क्या काम करता हूँ,